इंडियन टीम से इन 8 प्लेयरों की हो गई है छुट्टी। कुछ तो गए हैं अपने परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन कुछ की है किस्मत भी फूटी। हाँ, भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है, और उसमें ये जो 8 प्लेयर नहीं चुने गए हैं, ये भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद अपना जगह अब खो चुके हैं। हाँ, ये जो 8 प्लेयर है, इनका जगह भारतीय टीम में मिला था, इनको मौका दिया गया था। इसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मौके को भुना नहीं पाया, और कुछ ने भुनाया भी तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। और अब इंडियन टीम से इस समय अगर जो प्लेयर साइडलाइन हो गए हैं, वो टेस्ट में अब आपको अगले 1.5-2 साल नजर नहीं आने वाले। हाँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज है, उसके बाद न्यूजीलैंड से है, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से है। मतलब अब जो टीम चुनी गई है, इसी टीम पर भारतीय टीम रहने वाली है, इसी को तैयार करने वाली है, उसके बाद WTC चैंपियनशिप आ जाएगा। तो लगभग 10 टेस्ट अभी 2024 में भारत को खेलना है, बहुत वनडे T20 नहीं है, टेस्ट खेलना है। और अब जो प्लेयर साइड लाइन हो गए हैं भारतीय टीम से, वो अब अगले 1.5-2 साल तक भारतीय टीम में नजर नहीं आएंगे। बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर थे जो भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद हटा दिए गए हैं। तो पहला नाम आता है श्रेयस अय्यर का। अब श्रेयस अय्यर का नाम टेस्ट टीम में नहीं चुने जाना एक मतलब शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि द्रविड़ जब कोच हुआ करते थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट उनका आया था, और उन्होंने बोला था कि 4 नंबर पर तो श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है श्रेयस अय्यर के लिए कि श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। उनको मौका मिला था इंग्लैंड वाले सीरीज में, लेकिन वो कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए थे, और अभी दिलीप ट्रॉफी में भी मिला जुला प्रदर्शन रहा है, इसलिए श्रेयस अय्यर को साइड लाइन कर दिया गया है, और अब इंडियन टीम से उनको टाटा बाय बाय कह दिया गया। उसके बाद अब देवदत्त पड्डीकल की बात करते हैं, तो देवदत्त पड्डीकल को भी मौका मिला था, लेकिन वो अपने प्रदर्शन पर खड़े नहीं उतर पाए, BCCI मैनेजमेंट और सिलेक्टर के नजरों में आ नहीं पाए, और अपना स्थान भारतीय टीम से उन्होंने भी खो दिया है, और अब उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा भारतीय टीम में आने के लिए। उसके बाद जो अगला नाम है श्रीकर भरत, भारतीय विकेट कीपर। श्रीकर भरत का ऐसे तो पूरे के पूरे सीरीज खेलते थे इससे पहले जब ऋषभ पंत नहीं थे, तो श्रीकर भरत के तरफ ही देखा जाता था, लेकिन उनका अभी तक वो 7 या 8 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने, और किसी भी मैच में उनके तरफ से कोई भी 50+ स्कोर देखने को नहीं मिला है। 5, 11, 18, 28, 41, 34 ऐसे उनका स्कोर है। तो उनके तरफ भी भारतीय सेलेक्टर नहीं देखे हैं, और उनको भी साइड लाइन कर दिया गया है। ऐसे कहा जा रहा है कि जिस दिन से ऋषभ पंत फिट होकर के भारतीय टीम में लौटे हैं, उसी दिन से श्रीकर भरत का पत्ता कट गया है, और बात सही भी है। हालांकि ध्रुव जुरेल जब मौका मिला था, ध्रुव जुरेल को तो भारतीय टीम में भी अभी भी मौका मिला है। 4th नंबर पर आते हैं भारतीय फास्ट गेंदबाज मुकेश कुमार, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। मुकेश कुमार का हालांकि अच्छा प्रदर्शन रहा है, टेस्ट वनडे T20 सब में रेगुलर प्लेयर हो गए थे वो भारत के लिए, लेकिन आकाशदीप जो बिहार के ही रहने वाले हैं उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है। और मुकेश कुमार का 3 टेस्ट मैच में 7 विकेट 3 के इकोनॉमी से है, 9 बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको साइडलाइन कर दिया गया है, और अब इनका टीम में आना और मुश्किल लग रहा है। और तब जब अब शमी जब फिट होकर के आ जाएंगे तो और मुकेश कुमार के तरफ देखा नहीं जाएगा। उसके बाद आप वाशिंगटन सुंदर की बात कर लीजिए। वाशिंगटन सुंदर के 6 टेस्ट मैच में 256 रन है, विकेट भी है, तो एक हरफन मौला खिलाड़ी है वाशिंगटन सुंदर, लेकिन अपना जगह बचाने में वो भी नाकामयाब रहे। रेगुलर प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण वाशिंगटन सुंदर साहब के तरफ भी नहीं देखा गया है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव भारतीय 4 स्पिनर है जो चुने गए हैं। उसके बाद आप अगले प्लेयर की बात करते हैं, रजत पाटीदार। अब याद होगा रजत पाटीदार को इंग्लैंड सीरीज में 5 के 5 टेस्ट में मौका मिला था, एक भी इंपॉर्टेंट रन उनके बल्ले से नहीं निकला था उस समय जब इंग्लैंड के साथ सीरीज हुआ करता था। रजत पाटीदार साहब आते थे, 1-2 ओवर खेलते थे और आउट होकर चले जाते थे, तो चयनकर्ता उसी समय डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये बंदा नहीं चलने वाला है। लेकिन हालांकि जब IPL में उनका प्रदर्शन देखने को मिला तो वो काफी लाजवाब था, और उसी के अनुसार उनको टीम में चुना भी गया था, लेकिन उनको अब साइडलाइन कर दिया गया है। आवेश खान को भी भारतीय टीम में मौका मिला था, भले ही खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर उसको भी चुना गया था, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट उनको भी अब साइडलाइन कर दिया गया है भारतीय टीम से। सौरभ कुमार को भी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ओपनर के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उनको भी बिना खिलाए हुए साइडलाइन कर दिया गया है भारतीय टीम से, उनका भी जगह
खत्म हो गया है। शॉकिंग बात तो यह है कि जो बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए जो चार गेंदबाज चुने गए हैं उसमें तीन फास्टर जो बॉलर है वो आरसीबी से बिलोंग करते हैं। हाँ, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं तीन गेंदबाज। एक जमाना हुआ करता था जब ऑक्शन में आईपीएल हार जाती थी आरसीबी और कहती थी कि सिर्फ बैट्समैन भर लिए हैं, बॉलर है ये नहीं है। और एक ये भी जमाना आ गया है कि तीन तीन बॉलर भारतीय टीम में खेल रहे हैं आरसीबी से, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और यश दयाल साहब। हाँ, और एक बुमराह साहब है। चार गेंदबाज में तीन गेंदबाज आरसीबी से खेल रहे हैं। सोचिए आरसीबी का ग्राफ कहाँ जा रहा है गेंदबाजों के लिए। और एक विजय कुमार व्यस्क है, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि उनका भी चयन जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में उनका लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आकाशदीप का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, हालांकि वो अंडररेटेड प्लेयर है। जब इंग्लैंड सीरीज में मौका मिला था तो उन्होंने बुमराह के उपस्थिति में शानदार गेंदबाजी किया था उन्होंने, और फिर उनको दिलीप ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी का इनाम भी मिला है और भारतीय टीम में चुने गए। देखना है अभी लोग प्लेयर कब भारतीय टीम में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।